भोपाल के जंबूरी मैदान का नज़ारा आज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। चारों ओर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। आदिवासी कलाकार मंच से आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। दरअसल यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जो कि जंबूरी मैदान पर आयोजित तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए कई घोषणाएं करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से पहले कार्यक्रम का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में आज तेंदुपत्ता संग्राहकों का बोनस वितरण और वन समितियों का सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सुरक्षा व्यवस्था की गई। लेकिन साथ में मैं आपको कहूँगा कि मंच भी दिखाया जाए। ये जो मंच हो रहा है उसे तेंदुपत्ता की आकृति दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस मंच की सजावट की गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, इन सबके इसके आप ये देखिए, यहाँ पे जो आदिवासी जो कलाकार हैं ये अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। यहाँ पर आप यदि तस्वीरों की बात करें तो ये मैदान देखिए आप, ये लगभग यहाँ पे पूरा प्रदेश भर से जो है यहाँ पर आदिवासी आए हैं। ये जो सम्मेलन हो रहा है साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां माने सकता है। सीधे तौर पर 80 विधानसभा सीटों पर आदिवासी वर्ग प्रभावित करता है, जो कि 2018 में बीजेपी ने छटक किया था। और इसी कारण से ये जो आज एक कार्यक्रम हो रहा है, एक सीधे तौर पे माना जाए तो ये यहाँ पर इन आदिवासियों को साधने का काम कह सकते हैं। हम कुछ आदिवासियों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं। आप कहाँ से आए भैया? आप मैं ओबेदुल्लागंज से आया हूँ। ओके, ये जो सम्मेलन हो रहा है आप इस बारे में मालूम है क्या है? ये वन समितियों का वन विभाग द्वारा है और जो शासन की नई नीति है उसके बारे में बताएंगे। ये एक तेंदुपत्ता का जो बोनस वितरण हो रहा है, कुछ जगहों पे ही तेंदुपत्ता का वितरण होता है, आपको भी मालूम है। तो ये पूरे प्रदेश से जो आदिवासी आए, वोट बैंक की राजनीति तो नहीं कह सकते थे? वोट बैंक की राजनीति तो नहीं कह सकते थे? ये तो बहुत पहले से देखते चले आ रहे हैं, तेंदुपत्ता बहुत पहले से टूट रहे, हमने भी तोड़े हैं और तेंदुपत्ता का बोनस बहुत पहले से देते चली आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो ये जो यहाँ पर आए हैं प्रदेश भर से जो आदिवासी आए हैं और काफ़ी संख्या में, इसके अलावा यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के भी काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। आप ये मंच की बात करें, ये मंच पे यहाँ पे जो आदिवासी अंचल है मंडला और इसके अलावा जितने डिंडोरी, ये यहाँ के जो आदिवासी कलाकार हैं अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से काफ़ी अच्छा व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से हर पॉइंट पे पुलिसकर्मी अपने मुस्तैदी हाथ गए थे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम है और चूँकि इस समय जो जिस प्रकार का माहौल प्रदेश में बना हुआ है उसको लेकर पुलिस व्यवस्था सख्त है। लेकिन तेंदुपत्तियों को, वन समितियों को जो लाभांश में वृद्धि का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसे 2023 का आगाज बन सकता है। साथ ही 80 विधानसभा सीटों को साधने का काम। भोपाल से मीटर सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP News TV भोपाल।